गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल कविता डायरीज़। और आज का वीडियो है स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जो लोग बिगिनर हैं एंड जिनको यू नो मेकअप की बहुत नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिसने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ इस लुक को यू नो एक सॉफ्ट एंड ईजी लुक क्रिएट करूँगी। तो येस, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड इसमें जो भी प्रोडक्ट है सब के सब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। सो येस, तो फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन को यू नो टोन कर रखा है, सीरम अप्लाई कर रखा है, मॉइस्चराइज कर रखा है। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर गार्नियर का बीबी क्रीम, और मैं यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी। ये बहुत ही सिंपल सा लुक है जो कि आप डेली वेयर कर सकते हैं फॉर यू नो ऑफिस एंड कॉलेज के लिए। सो येस, तो मैं यहाँ पर ये गार्नियर वाला बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको सूटेबल लगे। सो इसको हम ऐसे ही यू नो डॉटेड फॉर्म में अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो बीबी क्रीम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गार्नियर की, इसके अंदर है PA++ UVA UVB प्रोटेक्शन। तो ये एक यू नो सनस्क्रीन की जो प्रॉपर्टी सनस्क्रीन के अंदर होती हैं वो इसके अंदर है, तो आपको यू नो धूप से भी या आपकी प्रोटेक्शन करता है। इसके अंदर विटामिन सी, आमंड एक्सट्रैक्ट्स एंड मिनरल्स फॉर ब्राइटनिंग के लिए दिए हुए हैं। एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट है। तो ये ब्रश की हेल्प से नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपल अपने फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ, और अपनी फिंगर्स की हेल्प से मैं इसे अच्छे से लगा रही हूँ अपने पूरे फेस पे। सो मैं अब यहाँ पर इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा यू नो कॉम्पैक्ट यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़रूरी है। मैंने कॉम्पैक्ट अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट अवेलेबल है आप उस कॉम्पैक्ट को अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आईब्रोज को सेट डिफाइन करने का है। सो मैं यहाँ पर यू नो अगेन अपनी आईब्रोज को डिफाइन करने वाली हूँ, और बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ करनी है एज ऑलवेज मैं आप लोग को बताती हूँ। फिर से स्पूली की हेल्प से अच्छे से इस ब्राउज को सेट करना जो हमने, और हम नेक्स्ट आईब्रो को भी सेट करेंगे, सेम प्रोसीजर होता है दोनों का। सो मेरी दोनों आईब्रोज अच्छे से मैंने सेट कर ली हैं, बहुत डार्क और बहुत हैवी नहीं करी हैं क्योंकि मेकअप बहुत लो है। बहुत ही लाइटर शेड वाला यू नो आईज शेड अप्लाई करूँगी अपनी आईज पे जस्ट फॉर यू नो हाईलाइट। सो मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी। तो जिन लोगों के पास ब्रश नहीं है वो अपनी यू नो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि बिगिनर स्पेशल है तो इसलिए मैं यू नो फिंगर का यूज़ करूँगी, जिससे कि जो बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनके पास ब्रश अफोर्ड नहीं है सो वो भी यू नो अच्छे से इस लुक को क्रिएट कर पाए। इतना सॉफ्ट और ये जो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने अपने अमेजन के हॉल पे दिखाया था कि ये यू नो ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, एंड इसके जो शेड्स हैं बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैं बहुत लाइट रख रही हूँ। एंड ऑसम पैलेट है, बहुत ही अफोर्डेबल है। सो बिगनर लोग जो बिगनर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पैलेट है ये। सो आई शेड मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, एंड क्योंकि बहुत मैं इसे लाइट रखना चाहती हूँ तो मैंने बहुत ही सिंपल एंड सॉफ्ट सा यू नो आई शेड रखा है। तो आप अपनी पसंद का आई शेड अप्लाई कर सकते हैं। सो येस, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो ग्रीन है, तो ग्रीन के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन यू नो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए वाला आई शेड अप्लाई किया। अब यू नो आई लाइनर के लिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ ये वाला काजल फेसिस का, अपने आई लैश पे बहुत ही लाइट। अब इसे मैं एक स्मज ब्रश की हेल्प से यू नो स्मज कर दूंगी। और दूसरी आईज पे भी मैं इस तरीके से आईलाइनर अप्लाई करके उसे स्मज करूंगी।
सो मेरी दोनों आईज पे मैंने काजल को अप्लाई किया है एज आई लाइनर, और आप चाहें तो लिक्विड आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये काजल को एज आई लाइनर अप्लाई करने के बाद उसको स्मच किया है। स्मच वाइट एंड वाइल्ड का ये वाइट वाला काजल अप्लाई कर रही हूँ, एंड वाइट वाला काजल यू नो अप्लाई करते हैं जिनकी आँखें छोटी होती हैं, वो यू नो थोड़ी सी ब्रॉड लगती हैं उनकी आँखें, बट ऑलरेडी मेरी आँखें बड़ी हैं, बट स्टिल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो अपनी लोअर वाटर लैश लाइन पे तो मैंने अपनी दोनों आईज पे नो ये वाइट काजल अप्लाई कर लिया है। उनकी आँखें छोटी हैं, इस तरीके से काजल लगाकर वाइट वाला अपनी आईज को बिगर दिखा सकते हैं। जैसे इसको अच्छे से कर्ल देंगे मस्कारा, तो मैं यहाँ पर मेबिलिन वाला मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, और मस्कारा अप्लाई करने के बाद तो ब्लश यूज़ करना तो बनता है थोड़ा सा, सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे और रुक जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बहुत ही लाइट वे में, अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप किसी पिंक लिपस्टिक की हेल्प से डॉट डॉट करके और फिर से अपने फिंगर से जस्ट ऐसे ब्लेंड करेंगे तो वो भी अच्छे ब्लश का काम करता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन की पॉप ऑफ पिंक लिपस्टिक। एंड आई एम डन। सो ये जो लुक मेरा क्रिएट हुआ ये अंडर 5 to 6 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम मैंने इसमें यूज़ किए हैं, एंड ये बहुत ही सिंपल है और इसे अपने ऑफिस में अपने कॉलेज में यू नो कैरी कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक, और इसे मैंने एक बहुत ही यू नो मैसी सी पोनीटेल टाई की है, और आप चाहें तो बन भी टाई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप पोनीटेल बांधें या फिर बन बनाएं वो आप पे डिपेंड करता है। और एक्सेसरीज में मैंने ये हुप्स वाले इयररिंग्स पहने हैं, सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा मेरा मेकअप लुक। सो और आई होप ये यू नो ये बिगिनर मेकअप लुक पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी है और बहुत ही क्विक होता है। सो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, एंड हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।